नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ विजेता घोष। दो टर्म विधायक रहने के बावजूद भी अगर भोलानाथ पुल समेत कई जन समस्या दूर नहीं हो सकी तो क्या अगले 5 साल के लिए जनता फिर से अपने जनप्रतिनिधि को मौका देगी? आइए देखते हैं भागलपुर के लोगों का विधायक और आने वाले चुनाव के बारे में क्या कहना है। वादा तो ऐसे अजीत शर्मा तो कम से कम 10 बार जरूर कहे होंगे कि भोलानाथ पुल जो है ओवर ब्रिज बन जाएगा, अब हो गया। लेकिन अभी तक कोई तरह का मार्ग नजर नहीं आ रहा है। ये जिस समय सिर्फ वोट का रहता है लेने का, तो उस समय मंत्री, नेता, विधायक जी, शर्मा जी, चौबे जी, जो भी हो, सारा यहाँ आते हैं। उस समय फिर जीत जाने के बाद बिल्कुल नहीं आते हैं। इस बार तो उम्मीद है कि युवा प्रत्याशी ही चुनेंगे और कोई शर्मा जी, चौबे जी पे हमको विश्वास नहीं रहा। तो देख रहे हैं सर कि जैसा है वैसा ही हालत है, ना बाईपास बने, ना फोर लाइन बनने का बोला वादा किया, ना देखते हैं भोलानाथ पुल के पास, देखते हैं सर वही हालत है। और हम लोग लॉकडाउन में जब हम लोग जैसा गरीब आदमी को बोला था राशन कार्ड बनेगा सर, जाते तो फार्म लेने में वार्ड पार्षद हुआ, विधायक हुआ, मेरा जो SDO है वो बोलते हैं यहाँ बनवे नहीं करेगा सर, हम लोग गरीब आदमी का क्या होगा। हम लोग का तो दक्षिणी क्षेत्र का भोलानाथ पुल है जो कि हम लोग को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। सबसे बड़ा समस्या तो यही है हम लोग का, पहला दक्षिणी क्षेत्र में मतलब हम लोग का समस्या है, मतलब आने जाने का है, जाम की समस्या है। नहीं, कोई काम नहीं हुआ, हम लोग का विधायक कोई काम नहीं किया, बहुत समस्या है, पानी का समस्या है, नाली का समस्या है। हम लोग के इधर शहर में पानी तानी का दिक्कत, अभी तक तो पानी भी नहीं मिला, नाला तारा बोल कटा हुआ है, रोड कटा हुआ है। जो प्रत्याशी खड़ा हुए हैं सारे के सारे अपने फायदे के लिए खड़ा हुआ है, जनते के लिए फायदे के लिए नहीं है। वो शहर का विकास तो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, जो चल रहा है 5 साल से, क्या बोलते हैं उसको, जो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, देखिए रहे हैं, खा पी रहे हैं, पचा रहे हैं। तो ये थी जनता की राय। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में जनता का फैसला क्या होगा। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए सिल्क टीवी। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें।